भाई मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगा कि अगर आप आगरा आ रहे हैं और कीटम झील आ रहे हैं तो बिल्कुल भी मत आइए, बिल्कुल भी जो स्टाफ है यहाँ का बिल्कुल ज़्यादा बदतमीज है। मैंने जो भालू को देखने के लिए टिकट ली थी तो मुझे गेट पे बताया नहीं गया कि वो 2:25 की ओपनिंग होती है। बाहर विदेशों से बर्ड्स वगैरह आके अपना शेल्टर बना लेती हैं, अपना घर बना लेती हैं, वही स्टाइल यहाँ पे है। तो ये झील थी पानी के लिए, आगरा के सप्लाई के लिए। बट तो अभी मैं आपको लेके चलता हूँ, यहाँ पे टावर बना हुआ है जिससे टावर से आपको लेक जो दिखाई देगी, कीटम झील है पूरी की पूरी दिखाई देती है। तो तो फाइनली दोस्तों हम आ चुके हैं अपने डेस्टिनेशन पे। ये जो देख रहे हैं ये है NH2 आगरा दिल्ली हाईवे। तो ये सीधे जो निकला ये गया दिल्ली और मथुरा के लिए, और अगर इस तरफ हम जाएंगे वापस की तरफ, इधर से जाएंगे हम तो ये जाएगा आगरा के लिए अपने पास। और ठीक इसी रोड पे, रोड के सामने आपको ये दिख जाएगा ये अपना कीटम झील, जिसको कि सुर सरोवर पक्षी विहार के नाम से भी जाना जाता है, कीटम आगरा के नाम से। तो हम चलते हैं सुर सरोवर पक्षी विहार के अंदर कीटम झील में और हम ले लेते हैं पहले टिकट। तो चलिए टिकट ले लेते हैं पहले टिकट काउंटर से। सो हेलो एंड वेलकम बैक अगेन असलम अल्टीमेट ब्लॉग्स। दोस्तों आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल असलम अल्टीमेट ब्लॉग्स में। तो दोस्तों आज फिलहाल काफ़ी दिन के बाद ये ब्लॉग शूट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी कुछ दिनों से तबीयत भी ठीक नहीं थी और मैं कहीं बाहर जा भी नहीं पा रहा था, और फिलहाल मैं कहीं गया भी नहीं हूँ। और अभी एक आगरा में बहुत ही अच्छी, मतलब जो पिछली वीडियो में आपने देखा होगा मैं बर्ड सेंचुरी गया था भरतपुर, उसी तरीके से आगरा में भी एक सेंचुरी है जिसको कि कीटम झील कहते हैं, और बहुत ही ज़्यादा प्यारी बनी हुई है। तो देख सकते हैं ये पूरी कीटम झील है और बहुत ही ज़्यादा प्यारी बनी हुई है ये। और ये वैसे तो बनाई गई थी आगरा में पानी की सप्लाई के लिए, जो पानी की सप्लाई को पूर्ति करने के लिए, बट जो यहाँ के जो क्षेत्र के जो जानवर हुआ करते थे, तो वो उन्होंने प्रवासियों ने अपना घर बना लिया, तो वो पूरा कीटम झील के रूप में इसको बना दिया गया। और फिलहाल पूरी की पूरी ये झील है, और इधर काफ़ी तरीके की चीज़ें हैं देखने को, बहुत कुछ मिल जाएगा। ये वोटिंग भी है, अगर वोटिंग चाहें तो वोटिंग भी कर सकते हैं आप, देख सकते हैं वोट रखी हुई है। तो फिलहाल हम जाएंगे अभी भालू देखने के लिए, जो भालू इधर आया हुआ है वही देखेंगे। और चलिए चलते हैं और मैं आपको पूरा एक्सप्लोर करता हूँ कीटम झील के नाम से। और मुझे सीरियसली बता रहा हूँ, मैं खुद फर्स्ट टाइम आया हूँ, और आगरा में होने के बाद मुझे नहीं मालूम था कि इतनी अच्छी जगह भी है जो कि आगरा में देखने लायक है, जो कीटम झील के नाम से है। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं आगे की तरफ। तो ये है जगह, यहाँ जाएंगे हम इधर से टिकट लेके भालू के लिए। तो चलिए चलते हैं अंदर की तरफ और फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो फिलहाल दोस्तों हम गए थे भालू देखने के लिए, बट जब हमने गेट से टिकट लिया था तो उन्होंने हमें बताया ही नहीं था कि ये जो टाइमिंग है इसका भी फिक्स्ड है, 2:30 बजे से आपको ओपन होगा 2:30 बजे से, क्योंकि वो रेस्क्यू सेंटर है। तो हम वहाँ पे जब पहुंचे तो वहाँ पर जो भैया गेट पे थे उनका बहुत ही ज़्यादा रूडली बिहेवियर था, और जो और भी टूरिस्ट आ रहे थे उनके साथ भी वो बहुत ही ज़्यादा रूडली बिहेव बात कर रहे थे, बट मुझे समझ में नहीं आया सक्यों। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा जब भी आप आ रहे हैं कीटम झील, बहुत ही ज़्यादा प्यारी बहुत ही ज़्यादा सुंदर जगह है, बट उनसे थोड़ा सा उनको अवॉइड करिए और आप आइए, और बहुत ही ज़्यादा प्यारी जगह है और बहुत ही सुंदर जगह है। जिस प्रकार से मैं भरतपुर बर्ड सेंचुरी पिछली वीडियो में आपने मेरे देखा ही होगा मैं गया था, उसी तरीके से ये बनी हुई है। ये जो झील थी ये आगरा को पानी देने की सप्लाई देने के लिए बनाई गई थी, बट जो विदेशी पक्षी थे उन्होंने अपना इसको घर बनाया, शेल्टर बना लिया प्रवासियों ने, तो इसको एक सुर सरोवर पक्षी विहार में कन्वर्ट कर दिया गया और एक टूरिस्ट प्लेस बना दिया गया, और उनके लिए एक पूरा शेल्टर बनाया ये, जो कि वन विभाग इसको देखता है। इसके अंदर जो भालू हैं वो रेस्क्यू करे हुए हैं, जो मदारी वगैरह लेके आया करते थे, तो रेस्क्यू सेंटर है अंदर, वही भालू दिखाए जाते हैं सिर्फ 5 मिनट के लिए, उसी का टिकट है, बट वो भी दिखते हैं या नहीं दिखते। और मैं बताऊं आपको, बोलेंगे ऐसे कि 200-250 आपको 100-200 जो आपको उसमें भालू देखने को मिल जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, बट ठीक है 1-2 तो है ही है उसमें। तो चलिए चलते हैं आगे की तरफ, और बहुत ही ज्यादा सुंदर और बहुत ज्यादा प्यारा व्यू आता है भाई। तो पहले हम चलते हैं, एक सेल्फी पॉइंट बना रखा है झील पे, तो हम पहले वहां जाएंगे, तो देख सकते हैं वहां जाने के बाद बहुत ज्यादा आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि मुझे भैया मिले थे, उन्होंने मुझे बताया कि आप पहले वहां जाइए, वहां से फोटोग्राफ्स वगैरह ले सकते हैं, बहुत ज्यादा शानदार आपको वहां से लगेगा। तो हम आ चुके हैं, देखिए ये व्यू बहुत ही ज्यादा सुंदर और प्यारा व्यू लग रहा है भाई, सच्ची में बता रहा हूँ,
एकदम ऐसा लग ही नहीं रहा कि मैं आगरा में हूँ। बहुत ज्यादा सुंदर व्यू लग रहा है, बहुत ज्यादा बड़ी झील बनी हुई है ये, और ये सामने सेल्फी पॉइंट है। ये पूरा करीबन 75 एकड़ में बनी हुई है बताया जैसे गया, और एक ये फ्लोटिंग बोट सी रखी हुई है इसमें, और इसमें काफी सारी मछलियां वगैरह भी हैं इसके अंदर। तो दोस्तों काफ़ी देर घूमने के बाद हमारा टाइम हो चुका था इसमें एंट्री करने का, तो चलिए इसमें एंट्री करते हैं और देखते हैं क्या क्या है इसके अंदर। और तो पहले ये दिखा था एक भालू बहुत ज़्यादा दूर से, जो कि रेस्क्यू सेंटर में था, वो कुछ ही देर के लिए दिखा। और ये देख सकते हैं भाई पूरा इसमें पूरा मीन्स खाली ही पड़ा है, इसमें कोई देखने के लिए कुछ है नहीं। वैसे भालू भी देखने के नहीं है नाम, बस भालू देखने के नाम पर आपको कुछ देखने को नहीं मिल सकता। एक आध अगर दिख जाए तो दिख जाए, बट वैसे ही आप इसमें विजिट कर सकते हैं, घूम सकते हैं, और काफ़ी अच्छा व्यू है। और देख सकते हैं ये हिरण है, ये भी कहीं से रेस्क्यू करके लाया गया था, तो मुझे जैसा बताया गया कि ये रेस्क्यू करके यहाँ पर लाए जाते हैं, रेस्क्यू सेंटर है, तो ये भी कहीं से रेस्क्यू करके लाया गया था। और पीछे की तरफ एक भालू और था, तो चलिए उधर की तरफ चलता हूँ, मैं आपको उधर से और दिखाऊंगा। बट ये जो है ये भी हिरण कहीं से सिकंदरा वगैरह से रेस्क्यू करके लाया गया है इसको। और ये देखिए सामने ही अगर आप इसके थोड़ा सा इस साइड में देखेंगे तो मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, तो इधर आपको शायद एक भालू दिख जाए, तो इधर ही था भी वो, तो शायद वो कहीं इधर उधर चला गया। तो फिर से मैं कोशिश करूंगा आपको वो दोबारा से भालू दिखा सकूं। और वैसे तो इसमें मुझे तो पेड़ों के अलावा कुछ दिखाई नहीं दिया, तो देख ही सकते हैं भाई ये पूरा रेस्क्यू सेंटर है, भालू के लिए बनाया गया है, बट भालू इधर है नहीं है जितना जिस तरीके से यहाँ पर बोला जाता है। बट ठीक है, अच्छी जगह है घूमने के लिए, बहुत प्यारी जगह है, विजिट कर सकते हैं आप। टूरिस्ट प्लेस के हिसाब से बहुत शांत और मतलब पीस ऑफ माइंड है, क्योंकि सामने आपको भालू दिख रहा होगा गिरा, ये मैंने काफ़ी दूर से देखा था इसको, तो ये देख सकते हैं ये है एक भालू, तो ये काफ़ी देर बाद देखने को मिला है। और फोटोग्राफी बिल्कुल अलाउड नहीं थी भाई, फिर भी ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर फोटोग्राफी नहीं करेंगे तो कैसे वो, हम तो बहुत दूर से फोटोग्राफी कर रहे हैं, बट फिर भी मैंने एक क्लिप ली थी। तो ये देख सकते हैं ये एक भालू यही है, तो काफ़ी दूर से देखने को मिला ये, और बेचारा शांत था, और इनको बहुत रेस्क्यू करके रखा गया है, यहाँ पे खाने पीने को उनको दिया जाता है, और देख ही सकते हैं वो भी कुछ ढूंढ रहा है शायद। तो देख सकते हैं भाई ये एक दो भालू इसमें देखने को मिले थे, तो चलिए चलते हैं और आगे की तरफ मैं आपको दिखाता हूँ। बट ये है कि आप अगर इधर आ रहे हैं तो थोड़ा सा समय निकाल के आएँ, बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, घूमने को बहुत सारी जगह है यहाँ पे, बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं यहाँ पे देखने के लिए। और ये देख सकते हैं एक और हिरन, ये करीबन ये भी रेस्क्यू करके लाया गया, इसकी भी चोट वगैरह लगी हुई थी कहीं, तो ये देख सकते हैं ये भी रेस्क्यू करके लाया गया है हिरन है। तो चलिए चलते हैं आगे की तरफ, और बना बहुत अच्छा है, शानदार बना हुआ है, और काफ़ी शांति है, और देख ही सकते हैं आप। बहुत देर से कोशिश कर रहा हूँ कि कोई एक आध और भालू दिख जाए, वो दिख नहीं रहा, वही दिखा था। तो चलिए तो अपन चलते हैं बाहर की तरफ, और ये रास्ता वापस बाहर की तरफ जाता है, 5 मिनट भी हमें रुकने की परमिशन दी गई थी, तो चलिए हम चलते हैं बाहर की साइड में। 5 मिनट से ज़्यादा रुकने नहीं दिया जाता, इन बोर्ड पे इंस्ट्रक्शन दिए हुए कि भालू को कैसे रखा जाता है, इसकी क्या वो होती है, पक्षी वगैरह जो जो यहाँ पर हैं सबके इंस्ट्रक्शन दिए हुए, जैसे बर्ड सेंचुरी में मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था कि वहाँ पर किसी भी तरीके की कोई मतलब वहाँ के सिक्योरिटी हिसाब से कोई पाबंदी नहीं थी, आप आराम से फोटोग्राफी वगैरह ले सकते थे। और ये देख सकते हैं कि ये भी एक पॉइंट है टावर के पास का, बहुत ज़्यादा प्यारा पॉइंट है, तो ये देख सकते हैं एक मतलब गार्ड, सुरक्षा गार्ड के लिए, सिक्योरिटी गार्ड के लिए टेंट सा बना रखा है। और सामने देख सकते हैं ये बहुत ज़्यादा प्यारी जगह है, बहुत सुंदर जगह है, और काफ़ी कपल्स यहाँ पे फोटोशूट कराने भी आते हैं, तो जिनकी प्री वेडिंग फोटोशूट्स वगैरह होती हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी लोकेशन के हिसाब से बहुत अच्छा है, इसीलिए आते हैं यहाँ पे। तो चलिए चलते हैं, और मैं आपको दिखाता हूँ एक टावर जहाँ पर फोटोग्राफ्स के लिए बहुत ही ज़्यादा प्यारी जगह है। तो अब अगर आप इधर आ रहे हैं कीटम में, तो सुरसरोवर पक्षी विहार में आ रहे हैं, तो इधर फोटोग्राफ जरूर खिंचाइए भाई, सीरियसली बोल रहा हूँ, बहुत ही ज्यादा सुंदर और प्यारा व्यू आएगा। तो चलिए चलते हैं। तो अभी मैं आपको लेकर चलता हूँ, एक यहाँ पर टावर बना हुआ है जिसपे एक टावर से आपको पूरी लेक जो दिखाई देगी, कीटम झील है,
पूरी की पूरी दिखाई देती है। तो सामने ही बना हुआ है ये टावर, तो ये देख सकते हैं यहाँ का। यहाँ से हम अभी आए थे एंट्रन होके, और ये पूरी यहाँ से जाने का रास्ता है पूरा। चलिए चलते हैं आगे की तरफ, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये जो इधर से दिखेंगे ये है टावर, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है पूरा टावर, इस पे चाव देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं ऊपर की तरफ, इसमें दो फ्लोर बने हुए हैं, तो अपन चलेंगे सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे। तो चलिए चलते हैं, काफी सारी सीढ़ियां हैं भाई ऊपर चढ़ने के लिए, और देख सकते हैं भाई बहुत ज्यादा प्यारा व्यू आ रहा है भाई। तो चलिए चलते हैं और ऊपर से मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये आ चुके हैं हम ऊपर की साइड पे, और सामने जो जगह देख रहे हैं आप, मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए ये जो सामने जगह देख रही है, हमने वहीं से पहले दिखाया था मैंने आपको, वहीं से सेल्फी पॉइंट है। उसके पीछे जो है वो भालुओं को रखने का शेल्टर है पूरा, उसमें जो रेस्क्यू सेंटर जो है भालुओं को वहीं बन हुआ पीछे की साइड में। और देख सकते हैं भाई काफी बड़ी झील बनी हुई है भाई, जिधर नजर जाएगी काफी बड़ी झील बनी हुई है, बहुत ज्यादा अच्छी बनी हुई है, बहुत प्यारा व्यू लग रहा। तो मुझे तो लग ही नहीं रहा, ऐसा लग रहा है कि मैं गोवा की लोकेशन पे आ गया हूँ। ये खजूर के पेड़ देख के तो ऐसा लग रहा है कि बस लोकेशन ही बिल्कुल ऐसी लग ही नहीं रही कि मैं आगरा में हूं, ऐसा लग रहा है कि जैसे गोवा की कोई व्यू पॉइंट पे खड़े होकर मैं देख रहा हूँ बीचेस को, बहुत ज्यादा प्यारा प्यारा लग रहा है। तो दोस्तों देख ही सकते हैं आप कितना व्यू पॉइंट इधर प्यारा आ रखा है, और मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये टावर। और फिलहाल अभी जो हम आए थे वो वहाँ थे, हम वो व्यू पॉइंट अभी दिखाया था मैंने आपको, वो वोटिंग का है, वहाँ से वोटिंग कर सकते हैं। उसके पीछे की तरफ जो बना हुआ है, वहाँ से जो अभी हम भालू का हमने जो देखा था, मगर भालू के नाम पे भाई वहाँ पे बहुत बड़ा कांटा है, उसका मैं आपके ऊपर बता दूंगा। और एक चीज़ मैं आपसे और रिक्वेस्ट करूँगा भाई, यहाँ पर अगर आप आ रहे हो तो यहाँ का जो स्टाफ है भाई बिल्कुल भी फ्रेंडली नहीं है। स्टाफ इतना ज़्यादा बदतमीज़ है कि मैं बता नहीं सकता हूँ भाई, इतना ज़्यादा बदतमीज़ स्टाफ, आपको कहेंगे कुछ करेंगे कुछ, इतना ज़्यादा बदतमीज़ कि मैं बता नहीं सकता। तो भाई अगर आप आ रहे हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा फैमिली के साथ तो बिल्कुल भी ना आए, क्योंकि फैमिली होती है बदतमीजी होती है, बदतमीजी होती है तो बहुत ज़्यादा मतलब खुद को ही एक अच्छा नहीं लगता। तो भाई मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगा कि अगर आप आगरा आ रहे हैं और कीटम झील आ रहे हैं तो बिल्कुल भी मत आइए, क्योंकि बिल्कुल भी जो स्टाफ है यहाँ का बिल्कुल ज़्यादा बदतमीज़ है। देख सकते हैं सामने पूरी लेक है, और ये पूरी लेक जो बनाई गई थी आगरा को पानी सप्लाई के लिए बनाई गई थी, बट फिलहाल ये है कि इसको एक व्यू पॉइंट के लिए यूज़ करने लगे हैं, जो कि कीटम झील के नाम से है। और कई देशों के अन्य जैसे जाति के, जैसे आपने पिछली वीडियो में देखा था मैं बर्ड सेंचुरी गया था, तो बर्ड सेंचुरी में जिस तरीके की बाहर विदेशों से जो बर्ड्स वगैरह आके अपना शेल्टर बना लेती हैं, अपना घर बना लेती हैं, वही स्टाइल यहाँ पे है। तो ये झील थी पानी के लिए आगरा के सप्लाई के लिए, बट कई सारे वन्य जीवों ने अपना इधर उसको अपना घर बना लिया है, और काफ़ी लंबे एरिए में बनी हुई है। ये भी देख सकते हैं काफ़ी लंबा एरिया है, जो कि काफ़ी लंबे एरिए में बनी हुई है, देख सकते हैं ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा व्यू है। और मेरे पीछे का भी पॉइंट, व्यू पॉइंट देख सकते हैं भाई, बहुत ज़्यादा अच्छा आ रहा है। और मैं ये बोल रहा था आपसे कि अगर आप इधर आ रहे हैं तो प्लीज़ भाइयों बिल्कुल भी ना आए, मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि इतनी सुंदर जगह होने के बाद भी, इतनी सुंदर जगह होने के बाद भी यहाँ पे जो स्टाफ का बिहेवियर है बहुत ज़्यादा मिसबिहेवियर है, और स्टाफ का बिल्कुल भी फ्रेंडली बिहेवियर नहीं है। तो आगरा में अगर आप आ रहे हैं तो बिल्कुल भी यहाँ ना ही आए तो ज़्यादा बेहतर है भाई, क्योंकि मुझे तो बिल्कुल भी यहाँ का स्टाफ बिल्कुल भी बिहेवियर नहीं लगा। और हुआ ये था कि मैंने जो भालू को देखने के लिए टिकट ली थी, तो मुझे गेट पे बताया नहीं गया कि वो 2:25 पे उसकी ओपनिंग होती है। मैं पहुंच गया, मैंने टिकट काउंटर पे टिकट दिया, तो वो बोले कि 2:30 से आपको देखने को मिलेगा। तो मैंने बोला भाई ये चीज़ उनको बतानी चाहिए थी, 2:30 से एंट्री है। तो बोले अरे ये मतलब इस तरीके से उन्होंने रूडली बोला, चल चल जा, जब तुझे जो करना है वो कर ले। और स्टाफ का बहुत ज़्यादा मिसबिहेवियर था। और जब हम अंदर गए तो बताया गया कि इधर भालू बहुत सारे ये वो, और बहुत दूर से ये ऐसे करके दिखा दिया गया 5 मिनट के लिए कि ये भालू है। और मैंने को एक फ़ोटो भी नहीं लेने दी उन्होंने, और मैं कोई ब्लॉग नहीं बना रहा था अंदर, फ़ोटो ना लेने की वजह से उन्होंने इतना ही मिसबिहेव किया कि आप फ़ोटो नहीं ले सकते, ये नहीं कर सकते, या पता नहीं क्या क्या उल्टा सीधा। वो मैंने वीडियो में नहीं लिया, वीडियो से मैंने कट भी कर दिया वो चीज़, फ़िलहाल ठीक है, स्टिल ऐसा ऐसा कभी कभी ना होता ही रहता है। चलिए, और ये थी आज की वीडियो,
मिलते किसी और नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखिएगा। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल जय हिंद।